हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज सभी को लोहड़ी और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम तीन ही चीजों से बनाएंगे बहुत ही टेस्टी लड्डू, जो 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाएंगे। जिसके लिए मैंने भुना हुआ रोस्टेड चना दाल लिया है और 1 कप सफेद तिल लिए हैं। सफेद तिल की जगह आप भूरे तिल भी ले सकते हैं। अब हम गैस पर एक पैन रखेंगे, पैन के अंदर तिल डाल देंगे। तिल यहाँ पे मैंने सफेद यूज किए हैं, आपके पास जो भी तिल हो आप वो यूज कर सकते हैं, ब्राउन वाले तिल यूज कर सकते हैं। और गैस को हम ऑन कर देंगे और गैस का फ्लेम हम रखेंगे एकदम लो। तो लो फ्लेम पे आपको तिलों को भूनना है। बहुत ही टेस्टी लड्डू बनते हैं, आप एक बार बनाएंगे ना तो बार बार बनाकर खाएंगे। इस मकर संक्रांति आप ये लड्डू जरूर बनाएं, मात्र 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं और सिर्फ 3 चीजों से ये बनकर तैयार हो जाते हैं। बहुत ही टेस्टी लड्डू हैं, ना चाशनी है ना मावा है, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से ये लड्डू बनाए हैं। इन लड्डुओं को बनाकर आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, या फिर आपका जब भी मीठा खाने का मन हो तो ये लड्डू बनाकर रख ले और खा ले, बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में घंटी का बटन है, उसे ज़रूर दबा दें ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आप देख सकते हैं तिलों में चटकने की आवाज आने लगी है, तिलों का जो है हल्का सा कलर चेंज होने लगा है। तो बस हमें तिलों को इतना ही भूनना है, इससे ज्यादा हमें तिलों को नहीं भूनना है। अगर हम तिलों को ज्यादा भूनेंगे ना तो इसमें कड़वापन आ जाएगा। गैस को हम बंद कर देंगे और तिलों को कंटिन्यू चलाते हुए ठंडा कर लेंगे। तो हमें इसे अच्छे से ठंडा कर लेना है, या फिर आप इसे अलग बर्तन में निकाल लें ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। पैन में अगर आप रख रहे हैं तो इसे कंटिन्यू चलाते रहें ताकि तिल जो है वो जले नहीं। तो बस इसी तरह कंटिन्यू चलाते हुए हम तिलों को बहुत ही अच्छे से ठंडा कर लेंगे। जब तिल अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तब हम क्या करेंगे, एक मिक्सी का जार लेंगे, उसके अंदर तिलों को डाल लेंगे। तो देखिए मैंने तिलों को डाल लिया है और अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच देसी घी। तो ये खाने में बहुत टेस्टी बनते हैं फ्रेंड, आप जरूर जरूर बनाइएगा। सिर्फ 1 चम्मच देसी घी से आप बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे हमारी रोस्टेड चना दाल। यहाँ पे मैंने चना दाल ली है रोस्टेड, आप भुना हुआ चने का भी यूज कर सकते हैं। और दरदरा सा इसे पीस लेंगे। तो देखिये दरदरा सा मैंने पीस लिया है और अब हम इसके अंदर डाल देंगे गुड़। तो मैंने 1 कप तिल लिए थे, 1 कप ही गुड़ ले रही हूँ। आप 1 से 1.25 कप गुड़ इसके अंदर डाल सकते हैं, मीठा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। गुड़ को अच्छे से तिल के बुरादे के अंदर मिक्स कर देंगे और इसे वापस से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मैंने मिक्स कर लिया है और अब हम ये सारा मिश्रण जो है एक बाउल के अंदर डाल लेंगे। तो बहुत ही टेस्टी लड्डू बनते हैं फ्रेंड, आप एक बार बनाइएगा ना तो बार बार बना के खाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और घर वाले आपकी तारीफ करे बिना नहीं रह पाएंगे, 1 की जगह 4-4 लड्डू खा जाएंगे। तो तिल हमारे शरीर को काफ़ी गर्माहट पहुंचाता है, सर्दियों में तिलों को खाना चाहिए, बहुत ही हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर इलायची का पाउडर डाला है फ्लेवर के लिए और अब हम इसे बाइंड करेंगे। तो लड्डू अगर बंध रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप इसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच देसी घी और डाल सकते हैं, पर 1 चम्मच घी से ही ये लड्डू बहुत ही अच्छे से बंध रहा है। और लड्डू आप छोटे बड़े अपने हिसाब से बना सकते हैं और आप इस तरह से पेड़े भी बना सकते हैं, जैसी शेप आप इनको देना चाहे दे सकते हैं। पर ये लड्डू जो है खाने में बहुत स्वादिष्ट बनते हैं फ्रेंड, आप इस मकर संक्रांति इन लड्डुओं को जरूर ट्राई करें, बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके ये लड्डू कैसे बने, बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं, बनाइएगा खाइएगा और मुझे जरूर बताइएगा। और सभी लड्डू हम इसी तरह बनाकर तैयार करेंगे। तो एक बार बना ले महीना भर खाएं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं और खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें लड्डू बना लेने हैं, लड्डू छोटे बड़े आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो देखिए सभी लड्डू मैंने बना लिए हैं, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं, दिखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं। और एक लड्डू मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ कि कितने ये लड्डू हमारे सॉफ्ट बने हैं। तो देखिए फ्रेंड बहुत ही अच्छे लड्डू बने हैं, बनाइएगा खाइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे लड्डुओं की रेसिपी कैसी बनी। ट्राई करते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि खाने में कैसे बने। फिर मिलेंगे एक नई और आसान रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।